हमीरपुर में 15 अगस्त को हाथरस जैसी एक घिनौनी वारदात हुई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर 16 अगस्त को वायरल हुआ, तो पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 आरोपी नाबालिग है, जबकि एक आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। यह वारदात हमीरपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के सिटी फॉरेस्ट में हुई थी। यहां एक प्रेमी युगल जो सिटी फॉरेस्ट आया हुआ था, जिसके साथ वहां मौजूद आधा दर्जन दरिंदों ने ना सिर्फ मारपीट की थी, बल्कि युवती को नग्न करते हुए उसका वीडियो बना लिया था और लूटपाट की थी। दिनांक 18 अगस्त को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ था, जिसमें यहाँ पर एक सिटी फॉरेस्ट एरिया में एक वयस्क लड़का और लड़की मौजूद थे और गांव के आसपास के पड़ोस के व्यक्तियों द्वारा वहाँ पर पहुंचकर उनके साथ मारपीट की गई, अमर्यादित व्यवहार किया गया और उनका वीडियो बनाया गया, साथ ही पैसे की भी मांग की गई। वारदात का वीडियो जैसे ही पुलिस के हाथ लगा, पुलिस हरकत में आई और तेजी दिखाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर निकल गया। हमीरपुर एसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि 5 आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें 2 नाबालिग हैं, जबकि इस गैंग का सरगना कन्हैया शर्मा और अरविंद निषाद सहित प्रीतम कश्यप आपके सामने है। इस मुकदमे में इस वीडियो के आधार पर 5 लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको गिरफ्तार किया गया और इन सभी 5 व्यक्तियों को न्यायिक अभिरक्षा हेतु भेजा जा रहा है। वारदात को अंजाम देने वाले 6 लोग थे, जिनमें से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जबकि 6वां आरोपी लखन खंगार फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है, तो वही वारदात का शिकार हुई युवती सहित उसका साथी लापता है। पुलिस अभी तक ना तो पीड़िता की शिनाख्त करते हुए उसे तलाश कर सकी है और न ही उसका साथी ही चिन्हित हो सका है। इस वीडियो के आधार पर हमने युवक और युवती को चिन्हित करने का प्रयास किया है और वो प्रयास अभी भी जारी है और शीघ्र ही हम उनको भी चिन्हित कर लेंगे और महिला के बयान कराकर उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें अभी तक जो भी साक्ष्य प्रकाश में आए हैं उनमें गैंगरेप या रेप जैसी कोई भी घटना नहीं है। इसमें उस महिला के साथ अमर्यादित व्यवहार किया गया है, जिसमें धारा 354B में अपराध पंजीकृत किया गया है और महिला के बयान के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।